सभी ये चाहते हैं कि हमारा किचन रहे हमेशा क्लीन, ब्यूटीफुल एंड क्लटर फ्री, पर क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? बिल्कुल है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ प्रियंका रतूरी और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 7 सिंपल स्टेप्स टू कीप योर किचन क्लीन एंड क्लटर फ्री। ये बहुत ही सिंपल हैबिट्स एंड स्टेप्स हैं जिनको अगर हम अपने डेली रूटीन में थोड़ा सा इम्बाइब कर लें, थोड़ी सी हैबिट्स को ट्वीक कर लें, तो ये जो प्रोसेस है क्लीनिंग का, ये बिल्कुल भी एग्जॉस्टिंग नहीं लगेगा और हमारा किचन रहेगा हमेशा ही क्लीन एंड प्लेजेंट, जिसको देख के काम करने का मन करेगा, काम टालने का नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहला स्टेप है क्लीन एज यू गो। तो जब आप काम कर रहे हैं तो हमेशा एक वाइप अपने पास रखें और अगर कुछ भी उस पर गिरता है प्लेटफॉर्म पे तो उसको उसी वक्त क्लीन करें, वरना अगर वो ड्राई हो जाएगा तो उसको क्लीन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस तरह से आपका प्लेटफॉर्म, आपका गैस स्टॉप हमेशा क्लीन रहेगा। सेकेंड इज़ कीप इट डीक्लटर्ड। तो जैसे ही खाना कुक हो जाता है, मैं सारा खाना डाइनिंग टेबल पर ले कर देती हूँ और जब हमें खाना होता है तब हम उसे वहीं से सर्व करके माइक्रोवेव में गर्म करके खा लेते हैं। अगर आप गैस पर गर्म करना चाहें तो आप वो ही कंटेनर्स डाइनिंग टेबल पर रख सकते हैं जिन्हें आप गैस पर हीटअप कर सकें, और इस तरह से आपका किचन और प्लेटफॉर्म हमेशा क्लटर फ्री और खाली रहता है, जिससे आपको वहाँ पर काम करने में आसानी होती है। आफ्टर कंप्लीटिंग एवरी मील मैं प्लेटफॉर्म को पूरा वाइप करती हूँ। तो उसके लिए आप या तो अगर आपका क्वार्ट्ज है तो मिस्टर मसल या नॉर्मल पानी और सोप का सोल्यूशन यूज़ कर सकते हैं। विनेगर बिल्कुल यूज़ ना करें, लेकिन अगर आपका नॉर्मल ग्रेनाइट टॉप है तो आप उस पर ये विनेगर का सोल्यूशन भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे मैं सभी कुछ क्लीन करती हूँ। तो इसको हम अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे और मैं जो भी ग्रुप में चीज़ें होती हैं उनको किसी भी ट्रे, प्लेटर या लेजी सुजन में इसलिए रखती हूँ कि जिससे उसको हटाकर क्लीन करना बहुत आसान हो जाता है। तो उसको हटाकर और आप जल्दी ही विद इन 2 मिनट्स अपना पूरा प्लेटफॉर्म अच्छे से वाइप कर सकते हैं। कबर्ड्स एंड ड्रॉर्स हमेशा हमें ऐसा लगता है कि बहुत सारा काम है एक साथ। तो जब भी आप किचन में कोई चीज़ बॉईल कर रहे हो या कुछ कुकिंग हो रही हो और आपको वहाँ ही रहना है किचन में, तो उस समय कोई भी एक ड्रॉर या एक कैबिनेट, एक कबर्ड सेलेक्ट कर लें और उसको उस समय क्लीन करके अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर लें। इस तरह से हमें पता भी नहीं चलता और विद इन नो टाइम हमारा पूरा किचन हमेशा रोटेशन में क्लीन रहता है। जो ड्रॉर आपने सबसे पहले किया था, जब सारी क्लीनिंग हो जाए तो रिपीट में आप उसे फिर से क्लीन एंड ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। तो अभी मैं ये और कैबिनेट अपना ऑर्गेनाइज कर रही हूँ, क्लीन कर रही हूँ। ये काफ़ी डिक्लटर्ड भी हो गया था और नीचे काफ़ी गंदा भी हो गया है, तो इसको मैंने ड्राई वाइप करके फिर इस पर अच्छे से वही स्प्रे करके क्लीन कर लूँगी। हर तरफ से क्लीन कर लें।
हर कुकिंग के बाद कुछ एरियाज ऐसे होते हैं, कैबिनेट्स, हैंडल्स, जिनको हम बहुत ज़्यादा टच करते हैं तो उस पर मार्क्स आ जाते हैं, कई बार खाने के छींटे उस पर उड़कर लग जाते हैं। तो उसको उसी वक्त जैसे ही आपकी कुकिंग कंप्लीट होती है तुरंत वाइप कर लें, जिससे वो स्टेन हार्ड ना हो जाए और उनको क्लीन करना फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। जनरली वाइट कैबिनेट्स पे ऑयल के स्पॉट्स भी बहुत जल्दी लगते हैं। जैसे ये देखिए, गैस के ऊपर वाले शेल्फ में कैबिनेट के नीचे काफ़ी सारा ऑयल का स्पॉट हो गया है, तो उस पर मैंने वही विनेगर का सॉल्यूशन स्प्रे करके 5 मिनट्स छोड़ दिया और फिर उसको एक स्टील स्क्रब से हम स्क्रब करके क्लीन कर लेंगे। अगर हम इसे बहुत ज़्यादा दिनों तक रहने देते हैं तो इसको क्लीन करना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैं इसे रेगुलरली हर 2 दिन में एक बार क्लीन कर ही लेती हूँ। और फिर इसे अच्छे से वाइप कर लें और साथ ही स्विच बोर्ड्स क्लीन करना कभी ना भूलें। इट हार्डली टेक्स 10 सेकेंड्स टू क्लीन योर स्विच बोर्ड और उससे भी किचन की अपीयरेंस बहुत क्लीन आती है। चलिए अब हम बात करते हैं कुकटॉप की। प्लेटफॉर्म की तरह कुकटॉप भी एक ऐसी चीज़ है कि अगर ये क्लीन रहता है तो हमेशा हमारा प्लेटफॉर्म एक बहुत ही प्लेजेंट क्लीन अपीयरेंस देता है। तो हर कुकिंग के बाद ये स्प्रे मैं हमेशा रेडी रखती हूँ और इसको अगर कुछ भी ज़रा सा भी फैल गया है गैस स्टोव पर तो उसको उसी वक्त क्लीन कर लें। गैस के पीछे, उसके नीचे और जो सामने वाली टाइल्स हैं वो उसको कभी भी क्लीन करना बिल्कुल ना भूलें, उस पर हमेशा कोई ना कोई स्टेन्स या खाने के लेफ्टओवर्स आ ही जाते हैं। और वीक में एक बार मैं डीप क्लीनिंग करती हूँ और इस डीप क्लीनिंग के लिए ये एक इजी सॉल्यूशन है वाटर, विनेगर एंड डिश सोप का। और इसमें हम गैस बर्नर के जितने भी पार्ट्स हैं, रिम्स हैं, उन सबको मैं इसमें डाल देती हूँ, यहाँ तक कि नॉब्स भी मैं क्लीन करती हूँ, क्योंकि नॉब्स हमें पता नहीं चलता पर अंदर ही अंदर काफ़ी गंदे हो जाते हैं। और इसमें फिर मैं वही सॉल्यूशन डाल के इसको छोड़ देती हूँ पूरे गैस स्टोव पे और फिर इसको क्लीन करना आफ्टर 5 मिनट्स बहुत आसान हो जाता है। अगर कोई हार्ड स्टेन है या कोई नुक एंड कॉर्नर्स हैं तो टूथब्रश से वो अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। किचन में बर्तनों को मैनेज करना भी एक टास्क है। इसके लिए मैं रात में ही सारे बर्तन, जितने भी डिनर के बर्तन होते हैं, उनको डिशवॉशर में लगा देती हूँ और जो हाथ से धोने वाले बर्तन होते हैं उन्हें हाथ से वॉश करके ड्राई होने के लिए रख देती हूँ। बर्तन धोने के बाद सिंक और टैप को क्लीन करना बहुत ज़रूरी है, वरना उन पे वाटर मार्क रह जाते हैं और फिर बाद में उनको स्टबन मार्क्स को निकालना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए मैं सब सारे बर्तन धुल जाते हैं तो एक ब्रश से अच्छे से सारे सिंक को और टैप्स को अच्छे से क्लीन करके वाइप कर देती हूँ, जिससे जब मैं सुबह उठती हूँ तो मुझे मेरा सिंक और किचन एकदम क्लीन एंड ड्राई मिलता है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में उठते ही सबसे पहला काम होता है ड्राई बर्तनों को उनकी रेस्पेक्टिव जगह पर
प्लेस कर देना। तो मैं डिशवॉशर में भी बर्तन अच्छे से ड्राई हो चुके होते हैं और जो हाथ से धोए हुए बर्तन होते हैं वो भी ड्राई हो गए होते हैं, तो उनको मैं उनकी जगह पर लगा देती हूँ। उसके लिए पहले मैं एक जैसे बर्तनों को एक साथ रख लेती हूँ और फिर उनकी जो रेस्पेक्टिव कैबिनेट या ड्रॉर्स हैं उसको खोलकर उनको वहाँ पर प्लेस कर देती हूँ। इससे मेरा काम बहुत आसान हो जाता है। उसके बाद ब्रेकफास्ट और लंच के जो भी बर्तन यूज़ होते जाते हैं उनको मैं रिंस करके डिशवॉशर में प्लेस करती जाती हूँ, जिससे कि सिंक मेरा हमेशा खाली रहे। जनरली हम ब्रेकफास्ट और लंच साथ ही प्रिपेयर कर लेते हैं, तो मैं ब्रेकफास्ट और लंच के बाद एक बार झाड़ू अच्छे से लगा लेती हूँ और फिर एक बार डिनर के बाद पूरा किचन क्लीन करके झाड़ू और मॉप कर लेती हूँ। अगर उसके बाद हमें लगता है कि किचन में कुछ ज़्यादा स्पॉट्स आ गए हैं तो मैं वीक में एक बार किचन को अच्छे से वॉश भी ज़रूर करती हूँ और उस समय मैं स्क्रबर से फ्लोर को क्लीन कर लेती हूँ कि अगर कोई स्टबन मार्क्स हैं तो वो भी अच्छे से क्लीन हो जाएं। आज मैं बना रही हूँ गुड़ वाली लस्सी, तो इसके लिए मैं एक जार में दही लूँगी, साथ ही डालेंगे ठंडा मिल्क और गुड़ पाउडर। आप चाहें तो इसमें कुछ क्रश्ड आइस क्यूब्स भी डाल सकते हैं। उसके बाद इसके ढक्कन के लॉक ज़रूर चेक करें और फिर इसको अच्छे से चर्न कर लें और हमारी गुड़ वाली लस्सी तैयार है। ये मेरी फैमिली की फेवरेट है और इसके बाद मेरा ये हमेशा रूटीन रहता है कि जितने भी जो भी जार या कोई भी अप्लाइंस यूज़ कर रहे हैं उसका ट्रे उसको इमीडिएटली क्लीन करके रख दें, जिससे कि उसमें किसी तरह का कोई स्टेन और स्मेल ना रह जाए। साथ ही साथ अप्लायंस को भी उसी वक्त एक छोटा सा स्प्रे मार के, अगर ज़्यादा गंदा नहीं है तो सिर्फ एक वाइप से वाइप कर रख दें, जिससे कि उसमें गंदगी खट्टी ना हो। अप्लायंस में ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि हम सिर्फ वही अप्लायंसेस बाहर रखें जो हम बहुत रेगुलरली यूज़ करते हैं। प्लेटफॉर्म पे भी अगर आपको अप्लायंसेस रखना है तो मिक्सर या टोस्टर सिर्फ एक या दो ही अप्लायंसेस रखें, इससे ज़्यादा नहीं। डीक्लटरिंग का प्रोसेस भी बहुत ही रेगुलर है जो मैं हर महीने में एक बार ज़रूर करती हूँ और उसमें मैं एक बास्केट लेती हूँ और उसमें वो सारी चीज़ें जो मैंने काफ़ी दिनों से यूज़ नहीं की हैं उनको रखती जाती हूँ, जिससे कि किचन में सिर्फ वही चीज़ें रहें जो हम बहुत ही रेगुलरली यूज़ करते हैं। कभी मुझे बाद में ऐसे लगता है कि कोई चीज़ मुझे चाहिए और वो पहले थी अब नहीं है, तो मैं इस बास्केट को फिर से चेक कर लेती हूँ और उस चीज़ को बाहर निकाल लेती हूँ। ऐसा करने से एक तो हमारे किचन में ज़रूरत की चीज़ें ही रहती हैं जिनको मैनेज करना, क्लीन रखना बहुत आसान हो जाता है, दूसरा किचन हमारा बहुत ही नीट एंड क्लटर फ्री नज़र आता है। यहाँ पर एक एडिशनल टिप ये है कि हर छोटी सी छोटी चीज़ के लिए एक डेजिग्नेटेड प्लेस ज़रूर रखें। जैसे यहाँ पर मैंने फ्लॉस एंड विसल्स एंड सीजर्स के लिए भी स्पेस रखा हुआ है और जब भी आप वो चीज़ यूज़ कर लें उसके बाद उसे वापस उसी जगह पर रखें, और ये इंस्ट्रक्शंस हमारी फैमिली को भी पूरी अच्छे तरह से कन्वे होने चाहिए, जिससे वो भी वहाँ से वही चीज़ उठाएँ और उसको वापस उसी जगह पर प्लेस कर दें। डीक्लटरिंग करने के बाद ये मुझे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है उस कैबिनेट को क्लीन करने की, तो अब मैं इस ड्रॉर को अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ और फिर मैं इसे वापस ऑर्गेनाइज कर लूँगी विद ओनली दी रिक्वायर्ड स्टफ। दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा। आप अपने किचन में क्लीनिंग के लिए क्या टिप्स और हैक्स इस्तेमाल करते हैं कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको मेरे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। जल्दी ही हम फिर मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू सून, बाय बाय।